Assalamualaikum students, my name is Ali Reza and you are watching CSS to the point. Today our topic is AUKUS, the trilateral security pact between Australia, UK and US. Under the pact, the countries will have exchange of artificial intelligence, quantum technology and cyber capabilities as well as additional undersea capabilities. Now we'll discuss what this pact is actually about. The pact will let Australia build nuclear-equipped submarines for the first time using the tech provided by United States. The pact also covers AI and other technology, which is country's biggest defense partnership programs in decades. फिर हम देखते हैं कि इसकी significance क्या है इस pact की. तो इस पैक्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया विल बिकम द सेवेंथ नेशन इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन्स. ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि यूएस जो है उसने फर्स्ट टाइम अपनी जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो किसी कंट्री के साथ शेयर की है इन 50 इयर्स. ठीक है, और इससे पहले उसने जो ये टेक्नोलॉजी थी वो किसके साथ शेयर की थी, सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के साथ. अच्छा, so moving on, the pact will preserve stability and security around the world and will generate hundreds of skilled jobs. एक तो ये most significant security arrangement है since World War II. अच्छा, how is it different from the Five Eyes alliance, जो intelligence share करती थी, जो Cold War era में मिलकर एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस थी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड एंड कनाडा. पैक्ट विल फोकस ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फाइव आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस. ठीक है, अच्छा, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइव आईज अलायंस, तो अब हम इस पे बात करते हैं. एक तो जो फाइव आईज अलायंस थी वो कोल्ड वॉर इरा के दौरान बनाई गई थी ताकि सोवियत यूनियन का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था उसको रोका जाए. ठीक है, और इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस ड्यूरिंग दैट टाइम. नाउ चाइना इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड एंड यूएस इज रियली थ्रेटन्ड बाय द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी. अच्छा, हालांकि फाइव आईज अपने जमाने की एक बहुत ही सक्सेसफुल अलायंस थी, लेकिन रिसेंट जो इवेंट्स हो रही हैं उनमें इस अलायंस को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सेटबैक हुआ है. ठीक है, अब जो फोर मेंबर्स थे फाइव आईज अलायंस के, उन्होंने चाइना की जो ट्रीटमेंट थी विद यूगर मुस्लिम्स इन सिनकियांग प्रोविंस उसको बहुत ज्यादा कंडेम किया. फिर उन्होंने अपने जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस किया कि जो चाइना का जो डिफेक्टो मिलिट्री टेक ओवर है साउथ चाइना सी के अंदर, और फिर उसकी सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन हांगकांग एंड इट्स थ्रेटनिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड ताइवान विच चाइना हैज वोड टू टेक बैक बाय 2049. लेकिन एक कंट्री जो फाइव आईज अलायंस के अंदर है उसने इस बारे में कोई भी बयानबाजी नहीं की. वो जो है वो दूर रहा है चाइना को कन्फ्रंट करने में, एंड दैट वाज न्यूजीलैंड. द क्वेश्चन इज व्हाई डिड न्यूजीलैंड स्टे बैक इन कंडेमनिंग द एटीट्यूड ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी, फिर उगर मुस्लिम के साथ और ताइवान के साथ. ठीक है, तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, वो चाइना है. ठीक है, न्यूजीलैंड डिपेंड्स ऑन चाइना फॉर क्लोज टू 13% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स. ठीक है, मोस्टली उसमें क्या होता है, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करता है चाइना को. फिर सो डज ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दोनों की जो पॉलिसीज हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और फिर हम देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड है वो एक जो है वो प्राइड करता है अपने आप को कि वो ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन है, लेकिन उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने चाइना को जो कंडेम करने से इनकार कर दिया. अच्छा, एंड सेइंग इट फेल्ट अनकंफर्टेबल विद एक्सपेंडिंग अलायंस रोल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन चाइना दिस वे, ये उन्होंने कहा.
यहाँ पे एक सवाल ये पैदा था कि why न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन्स. तो न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन जो होती हैं, दे आर हार्डर टू डिटेक्ट, दे कैन सबमर्ज इन वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, फिर दे कैन थ्रो द मिसाइल्स इन लॉन्ग रेंज, एंड ऑस्ट्रेलिया विल यूज ऑल दिस फॉर इट्स आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी. अच्छा, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट कंसर्न कंट्रीज जो हैं उनका इसके स्पेक्ट के ऊपर क्या रिएक्शन है. तो चाइना का जो रिएक्शन था, उनके उन्होंने कहा कि ये जो पैक्ट है इट इज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल. फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना सेड दैट कि जो चाइना जो ये पैक्ट, ये जो पैक्ट है ये अंडरमाइन करता है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन. फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक ये भी इल्जाम लगाया कि जो यूएस है उसकी मेंटेलिटी अभी तक कोल्ड वॉर इरा जैसी है, ठीक है, और वो अपनी आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस को जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है. तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात क्यों खराब हुए, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक डील थी जिसके मुताबिक फ्रांस 12 सबमरीन्स तैयार करके देगा ऑस्ट्रेलिया को, और उसका जो तखमीना था वो टोटल था 56 मिलियन यूरोस. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नोटिस के उस डील को रद्द कर दिया, उसको खत्म कर दिया, और उसके रिएक्शन में फिर 17 सितंबर को जो फ्रांस है उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया एज अ रिएक्शन. अच्छा, अब जो न्यूजीलैंड है उसका एक बयान जो है वो सामने आया एज अ रिएक्शन ऑफ दिस पैक्ट. न्यूजीलैंड सेड इट वुड बैन ऑस्ट्रेलिया सबमरीन फ्रॉम इट्स वाटर इन लाइन विद इट्स एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एट द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स. फिर न्यूजीलैंड जो है a 5-5 member is more cautious in aligning either with the US or China in the Pacific Ocean. So this was the lecture for today. If you like the content, subscribe our channel, like the video, share the video. Jazakallah and Allah Hafiz.